स्वागत है आपका आप आईएएस के डेली हिंदी एडिटोरियल एनालिसिस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पांच आर्टिकल, जिसमें से अपना पहला आर्टिकल है कि सबकी अच्छी सेहत का लोक वित्त से वास्ता। ये अजय शाह जी का आर्टिकल है जो कि बहुत अच्छा आर्टिकल है, जो कि इन्होंने जैसे कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा अपने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, तो अभी हाल ही में जो WHO ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कॉमन गुड्स फॉर हेल्थ, तो उससे रिलेटेड है कि क्या कुछ मतलब कि हमें ज़रूरत इस लेवल पे है कि प्रिवेंशन को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े कि हमें उपचार या की और हेल्थ सेक्टर की उनकी सेवाएं लेने की ज़रूरत ही पड़े, है ना। उससे पहले ही हम परहेज कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे जो है तो हमारी जो इकोनॉमी है तो उसमें भी जो हेल्थ सेक्टर पे जो काफ़ी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो उससे भी जो है तो काफ़ी ज़्यादा सरकार को हेल्प इससे मिलेगी, है ना। तो इससे संबंधित ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ना, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपना आर्टिकल है कि जो सोशल मीडिया से रिलेटेड आर्टिकल के यहाँ पास अभी जैसे कि कुछ ये मुद्दा चल रहा है कि क्या जो ये अपनी सोशल साइटें हैं तो इनमें से जो आधार लिंक की बातें चल रही है, तो अभी ये मामला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन देगा। हालांकि बहुत ही अच्छा निर्णय भी होगा, है ना। अब ये जैसा भी निर्णय हो तो ये तो मतलब कि ये निश्चित तौर पर इस दिशा में कदम उठाए जाने की ज़रूरत भी है, क्योंकि इस तरह की जैसे कि फेक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा आज भारत के लिए यहाँ इवन ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में भी उभरा हुआ है। तो निश्चित पे इसके जो भी मतलब कि डिसीजन आएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ काफ़ी हिस्टोरिकल डिसीजन होंगे, है ना। तो उससे रिलेटेड जो भी और छोटी मोटी इशू होंगे तो इसमें इस छोटे से एडिटोरियल में डिस्कस किया जाएगा नॉर्मली, है ना। और नेक्स्ट अपना आर्टिकल है ये जो आर्थिक महाशक्ति बनने की बातें बंद करें, ये शशि थरूर जी का आर्टिकल है जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद भी रह चुके हैं। तो ये मतलब कि एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल इसको कहा जा सकता है कि जो कि UPS जो पिछली मतलब की सरकारें थी, है ना, और जो अभी वर्तमान सरकार है तो उनकी जो नीतियाँ थी पॉलिसीज थी, साथ ही साथ जो भारत की जो इसमें से किस प्रकार से जैसे कि अपनी पॉवर्टी है या भारत की जो पॉलिसीज है तो किस इन्फ्लुएंस में पॉलिसीज क्रिएट होती हैं और किस तरह से डेमोक्रेसी का उनसे कनेक्शन होता है, है ना, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो ये अच्छा आर्टिकल है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट अपना आर्टिकल है जो कि काफ़ी बर्निंग टॉपिक भी रहा है, है ना, कि सही तथ्यों के साथ लिखा जाए इतिहास, यानी कि इतिहास के पुनर्लेखन की बातें जो चल रही हैं। और हाल ही में जो BHU सेमिनार में अपने गृहमंत्री जी ने इतिहास के पुनर्लेखन संबंधित जो कमेंट किया है, उन्होंने अपने भाषण में इस चीज़ को इंक्लूड किया है, तो निश्चित तौर पर ये एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये मुद्दा चर्चित ही हो जाता है, और इस दिशा में सरकार हालांकि प्रयासरत भी दिख रही है, है ना। तो इससे संबंधित आर्टिकल है, और दूसरा ये आर्टिकल भी इतिहास के पुनर्लेखन से संबंधित ही आर्टिकल, तो इन दोनों आर्टिकल को हम कंबाइन करके पढ़ेंगे, है ना, इनको एक साथ ही हम एक ही बार में मतलब एक ही टॉपिक में इनको कंबाइन कर देंगे। तो चलते हैं हम आप अपने आर्टिकल की तरफ कि सबकी अच्छी सेहत का लोक वित्त से वास्ता। यहाँ पास है कि जैसे कि यदि कॉमन गुड्स फॉर हेल्थ की ये अवधारणा है तो उस पर यदि गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ा जाए तो निश्चित तौर पर इसका जो है राजकोषीय मोर्चे पर यकीन सकारात्मक असर देखने को मिलेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पास स्वास्थ्य नीति के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो यहाँ पास स्वास्थ्य नीति की जैसे कि बहुत ही प्राचीन अवधारणा ही रही है कि बचाव और उपचार के बीच के एक प्रकार से इन दोनों में एक तनाव सा देखा जाता है, है ना। तो इसमें ज़रूरत इस बात की है कि जो कॉमन गुड्स फॉर हेल्थ की दिशा में मतलब कि बढ़ने की ज़रूरत है, है ना। जैसे कि इसका तात्पर्य यह है कि जैसे कि जनसंख्या के आकार के मुताबिक हस्तक्षेप किया जाए, है ना, जिस प्रकार से पॉपुलेशन है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें से इनिशिएटिव लिए जाएं। अब इसमें से जैसे देखा जा सकता है जैसे कि ये तो सर्वव्यापी है कि जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो जिनके जो प्रमुख कारक होते हैं उनको ही यदि काउंटर कर लिया जाए, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि हवा की गुणवत्ता है तो इनकी जिस प्रकार से ये एयर पॉल्यूशन है तो इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, तो ये तो हालांकि बहुत ही बड़ा मतलब कि खतरे की ही आशंका है, है ना। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो दिल्ली को पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दिल्ली को भी उसके सबसे ज़्यादा प्रदूषित उसमें भी रखा गया, तो यदि ये तो बहुत ही बड़ा भारत के लिए तो हालांकि वर्तमान संदर्भ में ये हवा की गुणवत्ता संबंधित तो बहुत ही बड़ा चैलेंज ही है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इससे बहुत ही ज़्यादा निगेटिव असर देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ जैसे कि फेफड़ों में, है ना, श्वास संबंधी बीमारियाँ और अन्य जो है तो बहुत विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ इससे पैदा होती हैं, है ना। तो ये तो यदि हम इसमें यदि इम्प्रूवमेंट ला दें, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया जाए तो हमें यहाँ पर हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि हम तो इसको फर्स्ट स्टेज में सॉर्ट आउट कर लिए, उसके जो बेस जो बीमारी का कारक है तो हम उसी को सॉर्ट आउट कर देंगे तो बीमारी ही नहीं उत्पन्न होगी। तो इसी दिशा पर जो है तो ये
मतलब कि कॉमन गुड्स फॉर हेल्थ का यही मोटो ही है ना। जैसे स्वास्थ्य सेवा पे जो होने वाला, इससे क्या होगा कि एक एडवांटेज इससे ये देखने को मिलेगा कि जो स्वास्थ्य सेवा में ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, तो उससे जो है तो निश्चित तौर पे राजकोषीय खर्च भी बढ़ता जाता है, तो सरकार को निश्चित तौर पर ज़्यादा मतलब कि खर्च इससे व्यय बढ़ता है। तो जो व्यापक जन समुदाय है तो उससे जुड़े जो हस्तक्षेप को देखते हुए एक प्रकार से इसमें इसको एक व्यापक राजकोषीय प्रोत्साहन के दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है ना। एक और जहाँ स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा जैसे समुदाय है उनको उपचार पर केंद्रित रहता है, तो वहीं ऐसी तमाम वजह भी हैं कि जो उपचार के बजाय बचाव को केंद्रित करती हैं, है ना। तो बेहतर यही माना जा सकता है कि हमें बीमारी ही क्यों पड़ा जाए, सेम वही अपनी इसको मतलब कि जो एक इंग्लिश में कहावत भी कही जाती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से बेहतर है कि परहेज कर लिया जाए, है ना। तो यदि हम परहेज बेहतर तरीके से करेंगे तो हमें इलाज करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। उस प्रकार की कंडीशन हम क्रिएट ही ना होने दें ज़्यादातर, तो निश्चित तौर पर ये तो काफ़ी बेहतर होगा। तो इसी दिशा में यदि बात की जाए ना, तो जैसे कि ये WHO का इनिशिएटिव है कि कॉमन गुड्स फॉर हेल्थ, उसने प्रोजेक्ट ही लॉन्च किया है, तो उसका पूरा का पूरा जो उद्देश्य है तो यही है कि जो आबादी आधारित जन स्वास्थ्य है ना, तो उसके क्षेत्र में बुनियादी तौर पर एक प्रकार से नई ऊर्जा का संचार करना, है ना। जैसे सार्वजनिक अर्थ की जो तकनीकी भाषा में इसको जैसे कि सार्वजनिक बेहतरी के क्षेत्र में बाजार की तथा अन्य बाह्य विफलताओं को ये कवर करता है ना। जो चीज़ें जैसे कि मतलब कि बाजार की अन्य बाह्य विफलता है, तो उनकी एक प्रकार से ये जो है तो उन सभी समस्याएं जो उससे पैदा होती हैं उसको एक प्रकार से फर्स्ट स्टेज पे ही उसको सॉर्ट आउट करता है ना। विभिन्न प्रकार की जो तकनीकी कह सकते हैं कि जो आधारभूत जो संरचनात्मक सुधार की बात होती है, तो ये जो है तो कॉमन गुड्स फॉर हेल्थ ये पहले से इसी चीज़ पे मतलब फोकस करता है। ये हम देख सकते हैं कि WHO का ये जो प्रोजेक्ट है तो ये किस बेस पे फोकस है ना। जैसे कंट्रीब्यूट टू हेल्थ एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इस दिशा में ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सहयोग इसके उद्देश्य ही है ना, कि आर्थिक विकास को बढ़ावा दे किस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग दे करके, है ना। और साथ ही साथ जो है तो ये जो है तो आर्थिक उस पर एक प्रकार से बूस्ट ही देगा, क्योंकि यदि ये फर्स्ट स्टेज पर ही जो इसको प्रिवेंट कर देगा तो निश्चित तौर पर जो व्यय है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कमी आएगी, तो उसका हम दूसरे उस पर उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि इसमें से यदि बात की जाती है पूरी तरह से कि बड़े स्तर पे व्यापक सामुदायिक स्तर पे इसको मतलब कि प्रसारित करने की भी ज़रूरत है ना। इसके कुछ कैटेगरी भी दिए गए, जैसे कि पॉलिटी एंड कोऑर्डिनेशन की बात, कि समन्वय किस प्रकार से उनकी नीतियों का किस प्रकार से समन्वय करके इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ना। साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित और पर्यावरणीय जो चिंताएँ हैं तो उनको भी किस प्रकार से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हैं है ना, तो उनको किस प्रकार से उनके शुरुआती स्तर पे ही जो है तो उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा सकता है स्ट्रेटजिक तरीके से, है ना। तो वहीं यदि टैक्स एंड सब्सिडीज की बात भी इसी संबंधित है कि जो है तो इस दिशा में भी मतलब कि कुछ पहले से ही सब्सिडीज या टैक्सेस इस दिशा में आधारभूत या बेसिक स्ट्रक्चर्स में ही विविध प्रोवाइड करवा दी जाए फर्स्ट स्टेज में, उनको प्रिवेंट करने के लिए मतलब कि फोकस हो जाया जाए, तो ये मतलब कि इस स्टेज पे पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मतलब कि बीमारियाँ हों, है ना। साथ ही साथ इसमें बेहतर तरीके जिस प्रकार रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन की, वहीं इंफॉर्मेशन कलेक्शन एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन की बात, वहीं पॉपुलेशन ये पूरी तरह से मतलब कि एक प्रकार से एक स्टेज ही है कि किस प्रकार से ये जो कॉमन गुड्स फॉर हेल्थ है तो ये एक प्रकार से क्रियान्वित हो रहा है ना। अब यदि हम कुछ व्यवहारिक उस पर बात करते हैं, तो जैसे कि इबोला की बात करते हैं कि एक तो वैश्विक महामारी का रूप ही है, और इसे देखने को भी इस प्रकार मतलब कि कितनी जाने इस बीमारी की वजह से गई है ना, ये भी देखा जा सकता है। तो साथ ही साथ बात करते हैं कि और भी बड़े चैलेंज के दृष्टिकोण से बात करें तो हवा की खराब गुणवत्ता है ना, क्लाइमेट चेंज की समस्या तो आज वैश्विक स्तर पर दिख ही रही है ना। तो इसमें जो है तो पर्यावरण की जो गुणवत्ता में गिरावट देखने को मिलती है, तो ये निश्चित तौर पर जो तो एक प्रकार से बहुत ही बड़ा इसको मतलब कि कह सकते हैं कि ये हर दृष्टिकोण से एक नकारात्मक ही है ना। अब इसमें यदि देखते हैं कि बहुत सी समस्याएं इससे उत्पन्न होती हैं है ना, जो कि डायरेक्ट निश्चित तौर पे जो है प्रत्यक्ष तौर पे लोगों को प्रभावित करती हैं, और विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं या अन्य समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर हम केवल स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित रहें तो यह प्रतिक्रिया अपर्याप्त मानी जाएगी, है ना। यानी कि जैसे कि यदि बात की जाए कि यदि हम इन चीज़ों को इग्नोर कर दें, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ठीक है, और हवा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैल रही हैं, उनके फैलने की आशंका दिख रही है, तो हम अब इसका वेट तो नहीं कर सकते हैं ना कि जब क्लाइमेट चेंज का
असर लोगों में पड़ जाए, या कि जब बाढ़ आ जाए तब हम उस पर काम करें, हैं, या कि जो हवा की गुणवत्ता से जब विभिन्न प्रकार की बीमारियां लोगों को हो जाएं तब हम उसके इलाज के लिए जाएं। हमें क्यों ना हम ये कर दें कि ये जो हवा की गुणवत्ता मतलब गिर रही है तो इसको ही हम अच्छा करने का प्रयास क्यों ना करें। क्लाइमेट चेंज में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएँ होती हैं, हालाँकि ये तो नेचुरल डिजास्टर एक प्रकार से कुछ वैसी समस्याएं होती है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार तो हम ही हैं ना क्लाइमेट चेंज के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे। तो हम इस दिशा पे क्यों ना एक सकारात्मक कदम उठाया जाए कि हमें यहाँ पर सेकंड स्टेज पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में यही कहा गया कि हम सेवाओं पर केंद्रित क्यों रहें, बल्कि हम एक प्रकार से डायरेक्ट उसके पहले ही जो है तो एक क्रिया किया जाए, है ना। जैसे कि इबोला जैसी महामारी या उत्तर भारत में जैसे हवा की खराब गुणवत्ता है, तो उसके शिकार लोगों को केवल इलाज करके ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि हमें आगे बढ़कर के जैसे इनकी समस्याएं हैं तो उनकी जड़ पर प्रहार करने की जरूरत होगी, है ना। यानी कि इनको फर्स्ट स्टेज पर ही काउंटर कर लिया जाए या सॉर्ट आउट कर लिया जाए उनकी प्रॉब्लम को। इसके जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की बुनियाद भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इनको मजबूत करने की जरूरत होगी। जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे वैश्विक महामारी से सबसे अच्छा बचाव ये है कि जैसे संचारी रोग हैं उनसे निपटने के लिए जन स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा मजबूत हो, है ना। तभी तो एक ब्रॉड लेवल पे हम इनसे निपटा जा सकता है। इससे जैसे इसमें बीमारियों की क्या किया जा सकता है बुनियादी ढांचे के तहत, जैसे कि इसमें जो बीमारी हैं तो उनकी एक प्रकार से बेहतर तरीके से उनका सर्विलांस हो, है ना। साथ ही साथ जो है तो आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए भी एक प्रकार से टीम बेहतर तरीके से गठित हो। साथ ही साथ जो है तो वैक्सीनेशन टीकाकरण संबंधित विभिन्न प्रकार की जो है तो हमें पहले से ही ये प्रिकॉशन रखने होंगे। यही एक प्रकार से बुनियादी ढांचा ही है, है ना। ये चीज़ें पहले से ही हों और बेहतर तरीके से हों, ताकि जो जब इस प्रकार कंडीशन क्रिएट हो तो उसको बेहतर तरीके से और बहुत तीव्रता के साथ उससे निपटा जा सके। और यदि हम बात करें जैसे कि भारत के संदर्भ में यदि बात किया, तो भारत में अभी जैसे जन स्वास्थ्य के पुराने एजेंडे पर ही काम किया जाना मतलब कुछ शेष भी है। जैसे कि इसमें जल है, स्वच्छता है, संचारी रोग की निगरानी संबंधित है, है ना, महामारी प्राकृतिक आपदा से निपटने की भी संस्थागत क्षमता विकसित करने की भी ज़्यादा ज़रूरत है भारत के लिए, है ना। आज जिस प्रकार की परिस्थितियाँ देखने को मिल रही हैं तो इनमें यदि नए सिरे से दृष्टि डाला जाए तो जैसे वायु गुणवत्ता की बात करी जाए या सड़क सुरक्षा की बात की जाए या औषधि सुरक्षा या खाद्य सुरक्षा, अच्छा जल प्रदूषण है, जीवाणु प्रतिरोध संबंधित ये विभिन्न प्रकार की जो नई समस्याएं आज देखने को मिल रही हैं, तो ये भी इन तत्वों को भी इसमें शामिल करने की ज़रूरत है, है ना। तो ये जो कॉमन गुड्स फॉर हेल्थ है और सार्वजनिक वित्त के बीच एक प्रकार से ये संबंध को भी स्थापित करता है। जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होगा तो इससे क्या होगा कि लोग जो बीमारी का स्तर है तो वो भी कम होगा, है ना। तो जो है तो इससे क्या होगा कि स्वास्थ्य सेवाओं पर जो एक्स्ट्रा मतलब व्यय हो रहा है लोगों का तो वो नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि सरकार वैसे भी सब्सिडी इसके लिए सरकार को प्रोवाइड करवानी पड़ती है जब ज़्यादा समस्याएँ होती हैं लोगों को, है ना, क्योंकि लोग एफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे कि आयुष्मान योजना की ही बात करें तो आयुष्मान योजना की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आज ये विश्व में सबसे बड़ी योजना भी मानी जाती है हेल्थ सेक्टर की यदि बात की जाए। तो इसके लिए ज़रूरत यही इसीलिए पड़ी कि एक तो हमारे यहाँ पास जो परिस्थितियाँ हैं तो एक प्रकार से ये इसका कह सकते हैं कि एक प्रकार संस्थागत ढांचा इतना मजबूत नहीं है, है ना। तो इसमें से विभिन्न प्रकार की समस्याएं, साथ ही साथ इसकी पॉवर्टी भी इसके लिए जिम्मेदार मानी जा सकती है। और लोग जो है तो एक प्रकार से सक्षम नहीं है, और साथ ही साथ जो है तो ये बीमारी विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो सरकारों को इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसमें व्यय करना पड़ रहा है, तो राजकोषीय घाटा भी इससे बढ़ ही रहा है, है ना। तो जब हम बेहतर माहौल, बेहतर वातावरण, बेहतर ढांचा रहेगा पहले से ही, तो लोग बीमार ही क्यों होंगे। जब बीमार ही नहीं होंगे तो वहाँ पर मतलब उनको इलाज की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और इससे जो है तो खर्च भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा, है ना। तो इससे निश्चित तौर पर जो इससे पैसा बचेगा तो उसके सकारात्मक दृष्टि से सकारात्मक उसका अन्य दिशा में प्रयोग किया जा सकता है। तो यही मतलब कि जो है तो राजकोषीय दबाव हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से इससे कह सकते हैं कि वो काफ़ी कम होगा। तो जैसे कि बात करते हैं कि सरकार जैसे कोई भी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है, है ना, तो उसको धन दे या बीमा कंपनी को दे, लेकिन आखिरकार इस भुगतान का संबंध तो स्वास्थ्य सेवाओं से ही जुड़ा रहता है ना। चाहे वही बात है कि जैसे कि अभी आयुष्मान वाला है तो ये तो बीमा कंपनी के थ्रू ही चीज़ें मतलब कि होती है, भले ही कैशलेस हो। तो इसमें जैसे कि इस दृष्टिकोण से बात की जाए तो कॉमन गुड्स फॉर हेल्थ जो है तो उसके लिए काम करना, इन सेवाओं के लिए वित्तीय सुविधा को मजबूत करने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की व्यवहार्यता के लिए एक प्रकार से ये बहुत ज़्यादा एक इसको बेस के तौर पे समझा जा सकता है, है ना। जैसे भारत की बात करते हैं तो देश में सरकार समर्थित बहुत सी बीमा योजनाएँ चल रही हैं, है ना, और उनके आने के बाद से जैसे सरकार के स्वास्थ्य सेवा में भी खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में इस तरह का रुख जो है तो अपना करके मतलब राजकोषीय जोखिम को बहुत
कम किया जा सकता है ना। और उदाहरण के तौर पर यदि बात करते हैं, जैसे कि हवा की गुणवत्ता या सड़क सुरक्षा जैसी समस्याएं का स्वास्थ्य सेवा व्यय पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, जबकि ये समस्या स्वास्थ्य मंत्रालय के दायरे में नहीं आती हैं, है ना। कि जिम्मेदार तो मतलब कि कोई और होता है, लेकिन वाहन किसी और को पड़ता है। इसको भी इस प्रकार से भी और देखा जा सकता है कि जैसे हवा की गुणवत्ता मतलब ख़राब होती है, ठीक है, तो ये तो दूसरे मतलब कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू हो जाएगा, लेकिन इस समस्या से जो लोग बीमार होते हैं, ठीक, तो अब ये चीज़ें जाकर के डाइवर्ट होकर के ये स्वास्थ्य मंत्रालय पे चला गया, तब लोग तो इसका जो वाहन होगा, ये समस्याएं जो हैं, तो अब ये तो जाके स्वास्थ्य मंत्रालय से रिलेटेड हो जाएंगी। तो मतलब कि यदि इन दोनों पर मतलब कि इनका कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है तो इस प्रकार की समस्याएँ नहीं आती है ना। तो यहाँ पास ये जो इसका कॉमन गुड्स फॉर हेल्थ का मोटो है, तो इस दिशा में भी मतलब कि ये प्रयासरत कि जैसे कि जब ये समस्या स्वास्थ्य मंत्रालय के दायरे में नहीं आती, मतलब कि जैसे इसमें एक समन्वय प्रणाली की भी आवश्यकता है ना। तो जब समन्वय प्रणाली हो जाएगा तो इनसे जुड़ी जो विभिन्न प्रकार की जो जवाबदेही है तो उसका भी मिलजुल कर एक प्रकार से निर्वहन किया जा सकेगा, और ये काफ़ी हद तक उसी प्रकार होगा जैसे कि जैसे विभिन्न बड़ी आपदा होती उससे निपटा जाता है, तो उसी तरह ये भी एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, है ना। तो जैसे कि देखते हैं कि जैसे हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बहुत चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं, है ना। इसके चलते यहाँ जैसे कॉमन गुड्स फॉर हेल्थ की जरूरत ज़्यादा मतलब कि उसकी प्रासंगिकता भी यहाँ पास ज़्यादा बढ़ जाती है, भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो कॉमन गुड्स फॉर हेल्थ प्रोजेक्ट है, तो उसमें ये जैसे कि यह सही दिशा में एक प्रकार से इसको कदम माना जा सकता है, जैसे कि यह विश्वव्यापी स्तर पर स्वास्थ्य नीतियों में बदलाव लाने वाला साबित होगा। भारत जैसे देश में जहाँ पारंपरिक जन स्वास्थ्य एजेंडे पर जैसे पर्याप्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो यहाँ बीमारियों का मतलब कि लेवल मतलब बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पास जो है तो ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से रिलेवेंट भी होगा और काफ़ी ज़्यादा एक सहयोगपूर्ण भी होगा, है ना। तो इस आर्टिकल में इतने, हम चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे कि आर्थिक महाशक्ति बनने की बात बंद करें, मतलब कि ये शशि थरूर जी एक आर्टिकल है ना। तो यहाँ पास उनका जैसे वो कहते हैं कि जब तक करदाताओं की तुलना में गरीब मतदाता ज़्यादा होंगे, तब तक वे ही आर्थिक नीतियों के केंद्र में होने चाहिए, है ना। तो जैसे कि यहाँ पास एक प्रकार से इन्होंने कंपैरिजन टाइप से किया है कि जो टैक्स पेयर हैं और नॉन टैक्स पेयर हैं, तो इसमें से इनका इन्होंने पॉलिटिकल कनेक्शन निकाला है ना, कि इसमें से इम्पोर्टेंस किसको देनी चाहिए, तो उसके संदर्भ में आर्टिकल बात करता है। जैसे कि देखते हैं कि इस सरकार की वो हालांकि कुछ नीतियों को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन कुछ उनके आर्गूमेंट भी काफ़ी अच्छे और सटीक भी हैं। जैसे कि बात की जाए कि सरकार की पॉलिसीज़ की बात करते हैं, है ना, जैसे कि सरकार यहाँ पास उनकी नीति है, तो उसमें जो है तो एक प्रकार से उसने काफ़ी ज़्यादा अपने उस पर उसको कई बार अपनी नीतियों को बदलने की भी वो देखने को मिली। जैसे कि अभी बजट की ही बात करते हैं, तो बजट में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें थी, उसके बाद ही जस्ट सरकार को अपनी नीतियों में काफ़ी कुछ आमूलचूल बदलाव करने की ज़रूरत पड़ गई, है ना। तो उसी दिशा में बात करते हो, यहाँ पर जैसे सरकार को अपनी नीतियों को पलट के एक प्रकार से उल्टी दिशा में ही जा रहे के कई मामलों में उल्लेखनीय यहाँ पास मतलब कि बताया गया, जैसे कि आर्थिक नीति में ही बदलाव किया गया है ना। वहीं जहाँ सरकार पहले जब यही सरकार 2014 में जब आई थी, तो एक प्रकार से ज़्यादा मतलब कि दक्षिणपंथी नीतियों को ज़्यादा तवज्जो दे रही थी, जिससे कि एक प्रकार से साथ ही वो लोक कल्याणवाद की ज़्यादा आलोचना की गई थी, है ना। वहीं इसे एक प्रकार से कांग्रेस का गरीबावाद भी कहा जाता था, जैसे कि गरीबी बढ़ाने वाला इसको बता करके इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता था। फिर यही सरकार जो है तो खुद जैसे मनरेगा जैसी योजनाएँ थी तो उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती थी, ठीक है, जो कि पहले की सरकार द्वारा लाई गई थी ना। तो वहाँ से मतलब की बात करते हैं कि अब हम ऐसे बिंदु पर पहुँचे हैं जहाँ सरकार की आर्थिक उपलब्धियाँ सिर्फ गरीबों के लिए, है ना, जैसे कि टॉयलेट बनाने, ग्रामीण महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और मनरेगा संबंधित जो राशियाँ बढ़ाने संबंधित है, तो यहाँ पास मतलब कि इन योजनाओं की यहाँ पास राइटर क्रिटिसाइज़ करते हैं इनको कि ये बहुत ही एक प्रकार से गरीबों के लिए नाकाफ़ी साबित हो रही हैं ना, ना के बराबर ही हैं। तो जाहिर है कि आर्थिक जो नीति है वो दिशा बदल करके फिर वहीं पहुंच गई है, है ना। यानी कि स्टार्टिंग जहां से हुई थी तो उस फिर से उसी तरह अपनी नीतियों को उसी दिशा पे मोड़ दिया गया है सरकार के द्वारा। तो इसका कारण भी या मतलब ये बताते हैं कि इस प्रकार से सरकार का फिर से अपनी नीतियों पे ही फिर से अनुगामी होना, तो इसमें कोई उन्हें मतलब कि आश्चर्य नहीं हो रहा है। इसके पीछे वो रीज़न बताते हैं कि जैसे इसका कारण सरल सा है, तो अब ये थोड़ा सा मतलब कि जो इतिहास के पृष्ठभूमि में जाने की बात करते हैं कि यह कारण का मतलब कि हमारी अर्थव्यवस्था के चरित्र में है जो इतिहास से उपजा है। अब उसके बारे में जैसे कि ये बात करते हैं कि
भारत का आर्थिक विकास की संदर्भ में बात की जाए तो ये महत्वपूर्ण, मतलब कि क्योंकि हम महत्वपूर्ण आकार की एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था हैं जो लोकतंत्र के रूप में एकदम धरातल से विकसित हुई है ना, एकदम ग्रॉस रूट से, एकदम बेस से यहाँ पास, मतलब कि शुरू हुई है ये भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर दिया है तो लगभग ना कुछ से हमने शुरुआत की थी। लगभग 1700 में जहाँ, मतलब कि भारत विश्व में सबसे धनी देशों में मतलब शुमार होता था, जिसकी जीडीपी जो है तो वैश्विक जीडीपी में जिसका योगदान लगभग 27% था, लेकिन 1947 में जब अंग्रेज यहाँ से भारत छोड़कर गए थे तब जो है तो हमारी जो वैश्विक जीडीपी में योगदान था वो 27% से घट करके 3% में आ गया था, है ना। साथ ही हमें जो है तो तीसरी दुनिया की गरीबी का पोस्टर चाइल्ड बना करके रख दिया था, यानी कि हमारे इतना शोषण हुआ था कि हम विश्व के तीसरे गरीबी के स्तर पर आ गए थे, है ना। तो तब साक्षरता के स्तर की बात की जाए तब भारत की जो साक्षरता दर थी स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद तो लगभग लगभग 16% थी, 16% तो थी। साथ ही साथ महिलाओं की बात की जाए तो उनकी तो और भी दयनीय स्थिति थी, वो लगभग लगभग 8.8% के आसपास थी। और वहीं औसत अपेक्षित आयु भी बहुत ही कम थी, लगभग लगभग 27 वर्ष थी। साथ ही 90% आबादी तो एक प्रकार से गरीबी रेखा से भी नीचे थी, है ना। तो ऐसी भीषण स्थिति से यदि अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो वहाँ पास विकसित करना यह बहुत बड़ी चुनौती भी थी, लेकिन लोकतंत्र के रूप में इसे कर दिखाना काफ़ी ज़्यादा, मतलब असाधारण काम था। जब गरीबों को देखते हुए तेज़ी से फैसले लेने की ज़रूरत थी तब, मतलब कि सरकार ने धीमी निर्णय प्रक्रिया वाली लोकतांत्रिक पद्धति अपना करके आर्थिक बदलाव लाकर दिखाया, यानी कि यहाँ पास सरकार ने जो लोकतांत्रिक पद्धति है इसको एक प्रकार से आर्थिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो एक बहुत ही धीमी पद्धति बताया है। साथ ही यहाँ पास, मतलब कि उन्होंने तब, मतलब उस स्थिति से भारत की अर्थव्यवस्था को, मतलब कि वहाँ पास, मतलब कि उसको इम्प्रूव करने का प्रयास किया है, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि उस समय के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो निश्चित तौर पर ये असाधारण काम रहा भी है ना। जब किसी लोकतंत्र में आर्थिक नीति के विकल्प चुने जाते हैं तो यह याद रखना चाह ये याद रखा जाना चाहिए उसमें मतदाताओं के हितों का प्रभुत्व होना चाहिए, है ना। और भारत में हम ऐसे लोकतंत्र में ये करते हैं जिसमें बहुसंख्यक मतदाता गरीब हैं ना, भारत की स्थिति जो है तो जस्ट उसकी उल्टी है ना। जहाँ, मतलब कि यदि हम बात करते हैं कि हर लोकसभा सांसद में ऐसे मतदाता वर्ग का प्रतिनिधित्व मतलब करता है जिसमें अधिकांश मतदाता विश्व बैंक की जो $2 यानी गरीबी की लेवल विश्व बैंक के हिसाब से है, यानी 140 रुपये प्रतिदिन की जो गरीबी रेखा है उससे नीचे जीवन यापन कर रहा है। तो यदि हम बात करें कि ज़्यादातर अन्य लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से इसकी तुलना की जाए तो उन्होंने क्या किया कि पहले विकास किया, है ना, अन्य लोकतांत्रिक जो देश हैं, और फिर उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया। पहले उन्होंने अपने विकास को ज़्यादा तवज्जो दी, उसके बाद उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। और औद्योगिक क्रांति के दौरान जब ज़्यादातर पश्चिमी लोकतंत्रों ने फलना फूलना शुरू किया तो मतदान का जो सार्वभौमिक अधिकार तब नहीं था, है ना। पहले तो विश्व युद्ध के बाद जब पश्चिमी देश, जैसे महिलाओं को तो मतदान का अधिकार ही नहीं था, यहाँ तक कि ब्रिटेन जैसे देशों ने भी तब महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया था। तो अमेरिका में वहीं बात की जाए तो अश्वेत और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के काफ़ी बाद जब विकसित देश के दर्जे में शामिल हो गए तब उन्होंने गरीबों को मतदान का अधिकार दिया था, है ना। यानी कि अपना पूरी तरह से विकास करने के बाद उन्होंने लोकतांत्रिक प्रणालियों को अपनाना शुरू किया था। वहीं यदि बात की जाए जर्मनी और जापान जब विकसित हो रहे थे तो वहाँ लोकतंत्र नहीं था, वहाँ भी इसी प्रकार की स्थितियाँ थी। साफ है कि जो तीव्र आर्थिक प्रगति और समृद्धि हासिल करने के लिए उन्हें लोकतांत्रिक पद्धति ठीक नहीं लगी थी, है ना। तभी तो वहाँ पास लोकतंत्र के पहले उन्होंने अपने विकास को ज़्यादा तवज्जो दी थी, है ना। और उन्होंने पहले समृद्धि हासिल की उसके बाद उन्होंने लोकतंत्र को पूरी तरह से अपनाया था। ज़्यादातर लोकतंत्रों में आर्थिक नीतियाँ करदाताओं की इच्छाओं से संचालित होती हैं, वो तो ठीक ही है, निश्चित तौर पर उनका, मतलब कि भी प्रभुत्व भी रहेगा। और यदि वो उनकी, मतलब कि ऐसी बात की जाए वैसे भी उन देशों में ज़्यादातर मतदाता करदाता भी होते हैं, बड़े यदि बड़े विकसित देशों की बात की जाए तो। हालांकि भारत में जो आर्थिक नीतियाँ होती हैं वो मोटे तौर पर करदाता की बजाय गरीबों के हितों के हिसाब से चलती हैं, जस्ट यहाँ पास एक प्रकार से उल्टी स्थिति है। एक तो विकास में पिछड़ गए, ठीक है, और उसी पे बात की जाए तो ऑलरेडी यहाँ पास जो है तो टैक्स देने वालों की संख्या की बात किया तो मुश्किल से 5% लोग ही हैं जो टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर की संख्या ना के बराबर है। वहीं 95% ऐसे लोग हैं जो गरीब की श्रेणी में, है ना, या कि मतलब कि वो टैक्स नहीं देते हैं। तो इनके ये बहुसंख्यक में हैं और इन्हीं के वोट से एक प्रकार से कह सकते हैं पूरी राजनीति तय होती है ना। तो लोकतंत्र में जो राजनेता की जो जवाबदेही है तो निश्चित तौर पर अपरिहार्य हो जाती है कि अल्पसंख्यक करदाताओं के बजाय वो बहुसंख्यक जो मतदाता हैं उनको ज़्यादा महत्ता दे, है ना।
वहीं आर्थिक नीति निर्धारण का भी एक प्रकार से विशिष्ट चरित्र भी है भारत के संदर्भ में बात की जाए तो। और वहीं यदि बात की जाए कि यहाँ पास जो है तो निश्चित तौर पे यदि हमें अपने मतलब कि भारत की दृष्टि से बात की जाए तो यहाँ की जो आर्थिक नीतियाँ हैं तो ये एक प्रकार से गरीबों को प्राथमिकता में मतलब कि उनको एक प्रकार से प्रायोरिटी देने पर ही तय होती हैं, है ना। तभी मतलब कि एक सही दिशा में और सटीक निर्धारण उसका हो सकेगा। बेशक जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं बढ़ेंगी और करदाताओं का आधार विस्तार पाएगा तो ये स्थिति हालांकि बदलती है ना, बदलेगी। और भारत के समृद्ध हिस्सों में जो करदाता आर्थिक नीति निर्धारण पर जो है अधिक प्रभाव डालने में सक्षम होंगे निश्चित तौर पर। और वहीं बात के आज यदि आर्थिक महाशक्ति बनने की जो सारी बातें भारत के संदर्भ में बात करी जाए तो यहाँ पर जो हम आर्थिक महाशक्ति की बातें करते हैं है ना, तो उस पे ध्यान देने के बजाय हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ये जो भारत की गरीबी की इतनी दयनीय स्थिति है इस दिशा पे ज़्यादा प्रयास मतलब कि इसको इनको गरीबी के स्तर से निकालने की ज़रूरत है ना। तब एक प्रकार से जो है तो अपने जो सरकारें हैं तो वो एक प्रकार से बेहतर तरीके से अपने मतलब कि कार्यों को कर सकती हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पर एक प्रकार से बड़ा तबका गरीबी में जीवन यापन कर रहा है तो निश्चित तौर पे लोकतांत्रिक मूल्यों की एक सार्थकता भी तभी उनके लिए एक प्रकार से कारगर साबित भी होगी, है ना। तो इस आर्टिकल में इतना ही, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर जो कि सोशल मीडिया पर लगाम से संबंधित आर्टिकल है ना। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने संबंधी जो हाई कोर्ट में डिसीजन था तो उसको अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया है। अब यदि इन सभी याचिकाओं की सुनवाई पर वो निश्चित तौर पे कोई भी मतलब कि डिसीजन देगा तो निश्चित तौर पे वो ऐतिहासिक ही डिसीजन होगा, क्योंकि इस तरह की समस्याएं मतलब कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है कि सोशल मीडिया की मतलब फेक न्यूज संबंधित ना और भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं इनके संदर्भ में देखने की जा जाती है। वहीं केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को इस संदर्भ में मतलब कि सोशल मीडिया संबंधित नियम तैयार करने संबंधित बातें भी मतलब हो रही हैं, है ना। इन नियमों के बारे में जैसे कि बात की जाए, जैसे कि मतलब सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार से सुनने को मिल रहा है कि जैसे कि आखिर सरकार को ऐसे कोई नियम क्यों तैयार करने चाहिए, है ना। तो ये मतलब कहा जा सकता है कि कहीं नियम बना करके लोग इस प्रकार की भी आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार कहीं सोशल मीडिया की निगरानी तो नहीं करने लगी है ना। ऐसे सवाल और संदेह के बीच यदि कोई यदि बात की जाए कि पूरी दुनिया के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग हालांकि मतलब कि एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या भी एक प्रकार से बनकर के उभरा है ना, तो ये समस्या मतलब कि और भी ज़्यादा भयावह हो जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनियां क्या करते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग रोकने के लिए कोई ज़्यादा कारगर कदम नहीं उठा रही हैं सरकार के कहने के बावजूद भी। जब उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित करने का शोर मचाने लगते हैं, है ना, कि मतलब कि वो लोगों का जैसे कि वो पता था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है इससे। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पास एक प्रकार से राष्ट्रीय हित उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है ना। यहाँ पास साथ ही साथ एक बड़ा समाज इसके उस पर आता है तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है ना। हम यहाँ पास एक प्रकार से हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी रह रहे हैं तो हमें इस मतलब कि इस चीज़ को भी सोचने की ज़रूरत है। तो ये जैसे यही सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जैसे पहुँच गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सोशल मीडिया के नियमन की कोई ज़रूरत नहीं है। सच तो यह है कि जैसे इसकी ज़रूरत कहीं मतलब कि और भी ज़्यादा बढ़ भी जाती है इस वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो। वहीं सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग है तो सभ्य समाज के समक्ष निश्चित तौर पे एक गंभीर संकट के रूप में भी सामने आया है। वहीं सरकारों के साथ जैसे उसकी जो एजेंसियां हैं तो उसके लिए जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको रोकना कठिन साबित हो रहा है। तो जो सरकारी एजेंसियां हैं तो उनकी ओर से सोशल मीडिया के जो बेजा इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनको रोकने संबंधित जो थोड़े बहुत उपाय किए भी गए हैं तो वो भी मतलब ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, है ना। क्योंकि जो फर्जी और फेक न्यूज़ वगैरह हैं तो इनके जरिए दुष्प्रचार अभियान जो चलाए जा रहे हैं इससे जो तो सामाजिक ताने बाने को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँच रही है ना। साथ ही किसी को जैसे बदनामी मतलब किसी को बदनाम करने या संगठित उद्योग खड़ा हो चुके एक प्रकार से ये इसका दायरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये ऐसा उद्योग है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक प्रकार से खतरा बन रहा है। तो साथ ही इसके उदाहरण के तौर पे भी देखा जा सकता है जो कैम्ब्रिज एनालिटिका की जो कंपनी की बात की जाए कि जो डाटा चोरी की मामले देखने को मिले थे फेसबुक से, है ना। तो ये जो है तो काफ़ी ज़्यादा पूरी मतलब कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को भी ये प्रभावित करती है ना इस तरह के मामले। तो
ऐसे व्यापक जो समस्याएं होती हैं, तो एक प्रकार से सरकारें जो है सोशल मीडिया का नियमन करने के उपाय यदि ना करें तो निश्चित तौर पे इनको मतलब कि और भी ज़्यादा एक प्रकार से प्रोत्साहन ही मिलेगा, है ना। तो इनके नियमन की निश्चित तौर पे ज़रूरत भी है, और सोशल मीडिया कंपनी अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए जैसे तैयार भी नहीं, तो उनको निश्चित तौर पर जो है तो इस दिशा में मतलब सरकार के साथ एक सहयोग की भी ज़रूरत है ना। तो निश्चित तौर पर इस दिशा में मतलब कि जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो इससे जो है तो निश्चित तौर पे मतलब कि इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा, और विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियां फेक न्यूज़ वगैरह का एक प्रकार से बाजार ही बढ़ता जा रहा है, तो उसमें भी एक प्रकार से यथोचित लगाम भी लगेगा, है ना। तो चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो आर्टिकल है कि सही तथ्यों के साथ लिखा जाए इतिहास, यानी इतिहास के पुनर्लेखन लेखन से संबंधित ये आर्टिकल है। तो ये मतलब कि यदि हम बात करते हैं कि अभी जैसे कि हाल ही में अपने मतलब गृह मंत्री जी अमित शाह ने BHU में मतलब कि उन्होंने अपने भाषण में इस चीज़ का उल्लेख किया कि भारतीय इतिहास का भारतीय दृष्टि से पुनर्लेखन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। भारतीय दृष्टि से बात की जा रही है ना। तो वहीं जैसे उन्होंने ये भी कहा कि दोष देने के बजाय हमें अपनी दृष्टि अपना दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है ना। तो उसी संदर्भ में ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि जैसे आज़ादी के 6 दशक के बाद भी जैसे लुटियन समूह का बोलबाला, जैसे कि बात की जाए कि नेहरूवादी, मार्क्सवादी और धर्मनिरपेक्षतावादियों का एक प्रकार से बोलबाला ही रहा है ना। जैसे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अपने वैचारिकता का एक प्रकार से इनको पूरी तरह से जो पाठ्यक्रम है, चाहे वो स्कूली पाठ्यक्रम से लेकर पूरी लोकनीति इतिहास लेखन तक, सभी को प्रभावित किया है ना इनकी एक वैचारिकता ने। जैसे कि इनकी बात की जाए कि एक प्रकार से झूठा विमर्श भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खड़ा करने का प्रयास किया, तो जिससे जो है भारतीय सभ्यता पर काफ़ी ज़्यादा कुठाराघात भी हुआ है ना। और निश्चित तौर पे जो एक प्रकार से जो हमारी यदि हम अतीत की बात करते हैं, तो इससे जो तो स्वतंत्रता के बाद जैसे भारत की जो 3 पीढ़ियाँ थी, तो उनको एक प्रकार से स्वर्णिम जो विरासत से दूर रखने में ये मतलब कि अपनी वैचारिकता की उससे काफ़ी ज़्यादा सफल भी रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि हम अपने अतीत की बात की जाए, तो बहुत सी ऐसी मतलब कि भारत के संदर्भ में बात की जाए कि जिनके योगदान को हमारे इतिहास में यथोचित स्थान नहीं दिया गया है ना, उनको नहीं मिला है, जबकि उनका मतलब कि भारत के संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है ना, तो उनको जो है तो उतनी ज़्यादा महत्ता ना दी गई दृष्टिकोण की वजह से, है ना। इसके लिए निश्चित तौर पर दृष्टिकोण ही रहा। जैसे कि यदि हम ज़्यादातर जैसे कि इतिहास की हम बात करते हैं, तो इतिहास जो है तो अंग्रेज़ों के समय ज़्यादातर इस प्रकार इतिहास लिखे गए, तो दृष्टिकोण भी निश्चित तौर पे उन्हीं का शुरुआती दृष्टिकोण रहा। तो एक प्रकार से अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से जब इतिहास लिखे गए, तो निश्चित तौर पे जो भारतीय भारत के जो प्रमुख मतलब कि व्यक्तित्व थे, तो उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है ना। उदाहरण के तौर पे हम देख भी सकते हैं कि जैसे हम अपने दक्षिण भारत की बात करें, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य जो कि इतना बड़ा साम्राज्य था, है ना, उतना मतलब कि एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा उसका विस्तृत साम्राज्य था, तो उनके इतिहास की बात की जाए या मौर्य साम्राज्य की बात की जाए, है ना, या हम मगध की पूरी बात की जाए, वहीं यदि गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में ही बात कर लें, या कि हम शिवाजी या उनके स्वदेश के विचार के संदर्भ में बात किया, जिससे कि पूरे देश ही एक प्रकार से वही विचारधारा आगे बढ़कर के देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं यदि हम सिख गुरुओं की बात की जाए, है ना, उनके बलिदान की बात की जाए, है ना, वहीं राणा प्रताप की बात की जाए, या वीर सावरकर जैसे लोगों की बात की जाए, तो इनकी जो महत्वपूर्ण मतलब कि देश की मतलब कि वर्तमान जो पूरी मतलब आज स्वतंत्रता की बात की जाए, या विभिन्न प्रकार के जो भारत की सामाजिक आर्थिक या राजनीतिक जो पूरी ढांचा तैयार है, तो उसमें जो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो इनके महत्वपूर्ण योगदानों को इतिहास में एक प्रकार से यथोचित स्थान नहीं मिला है, इनको उस प्रकार से तवज्जो नहीं दी गई है जिस प्रकार से दिया जाना चाहिए, है ना। तो इसी संदर्भ में बात की जाए कि जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि इतिहास के संदर्भ में यदि उन्होंने मतलब कि एक इसको एक अच्छा कदम भी माना जा सकता है कि जो व्यक्ति इस मतलब कि इस संदर्भ में जिसको यथोचित स्थान दिए जाने की जरूरत थी, तो उसको निश्चित तौर पे उसका स्थान मिलना चाहिए, है ना। यदि अब हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में यदि कुछ बात की जाए, तो यहाँ पास जैसे कि बहुसंख्यक आबादी तो यहाँ पास हिंदू है,
पहले से भी थी, है ना। तो यहाँ पर जैसे सदियों से भारत की सभ्यतागत पहचान भी हिंदुत्व से जुड़ी थी, तो इस छत में धर्मनिरपेक्ष तबके की जो व्यापक योजना हिंदू विरोधी बन गई थी। तो यहाँ पर ही हालांकि ये आर्टिकल थोड़ा सा कुछ मतलब कि कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा दक्षिणपंथी से प्रेरित भी है, लेकिन थोड़ा यदि हम इस संदर्भ में थोड़ा सा और तटस्थ होकर यदि बात की जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ पर न सिर्फ जैसे कि हिंदुत्व से जुड़ी चीज़ों के प्रति जो नकारात्मकता और हिंदू विरोधी बातों को प्रोत्साहन देने का काम तो ये ठीक ही है कि उसमें मतलब कि प्रारंभिक जो इतिहास का दृष्टिकोण था उसमें चीज़ें हालांकि कुछ हद तक ये चीज़ें देखने को मिलती भी हैं, लेकिन इसके मतलब की बात की जाए जैसे वेद रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य हैं तो उनका लोग एक प्रकार से अपने दृष्टिकोण से इनका उपहास उड़ाते थे पहले, है ना। और साथ ही साथ हमारे जो योग हैं आयुर्वेद हैं तो इनको लोग खारिज करते थे। अब ये देखी जाए तो इनकी महत्ता वर्तमान संदर्भ में कितनी ज़्यादा देखी जा रही है ना। तो वहीं जैसे सभी भारतीय भाषा है मतलब कि उस संस्कृत जो कि प्राचीनतम भाषा है तो उसको भी लोग लेकर के इसको भी उपहास उड़ाने लगे। इस प्रकार से इतिहास में इनको ज़्यादा जिस प्रकार से महत्ता नहीं दी गई तो इनकी वैल्यू लोगों प्रकार से इनको लोग हे की दृष्टि से देखने लगे थे, है ना। अब जैसे कि यही आगे चल कर किसी प्रकार का जो एक टेम्परमेंट क्रिएट हो गया तो 1998 से 2004 के बीच जिस प्रकार से लोगों में एक जो एक प्रकार से परिवर्तन मानसिक ही परिवर्तित हो गया ना, एक प्रकार से पूरी तरह से लोगों का डायमेंशन ही चेंज हो गया और इनको ज़्यादा एक प्रकार से ना के बराबर कोई ज़्यादा महत्ता नहीं दी गई। तो यहाँ पर सिर्फ वर्तमान सरकार की बात की है तो इसने हालांकि इस दिशा में मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत भी है ना। तो इस संदर्भ में जैसे भारतीय मतलब इस पार्टी ने ये भी निश्चित किया कि जैसे नेहरूवादी मार्क्सवादी छत में धर्मनिरपेक्षतावादी तबके पर जैसे हाशिए मतलब कि इनको जो इस इनसे प्रेरित होकर के इतिहास लिखे गए थे, है ना। तो उन पे जो है तो राष्ट्रीय गौरव की पुनर्स्थापना संबंधित इतिहास की ज़रूरत है, है ना। इन चीज़ों को स्थापित करने की ज़रूरत है। वहीं इतिहास के पुनर्लेखन के आह्वान को भी इसी परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर गृह मंत्री ने भी उदाहरण भी बताया कि जैसे वीर सावरकर की बात की, उन्होंने स्पेशल तौर पे इनका उल्लेख किया कि वीर सावरकर जी ने तो 1857 को स्वतंत्रता के पहला एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उन्होंने कहा था, है ना। तो जबकि इतिहासकारों ने तो इसे जो है तो अंग्रेजी दृष्टिकोण से देख करके एक प्रकार से बगावत का नाम दे दिया था। तो हमें मतलब कि यहाँ पर गृह मंत्री जी ने ये भी कहा था कि जैसे हमें ऐसा इतिहास लिखना चाहिए जो तथ्यों से न्याय करे। उदाहरण के लिए जैसे कि बात की जाए कि औरंगजेब की उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे 1669 की बात है कि उसने क्या किया था, अपने सेनापतियों को हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए आदेश दिया था, ठीक है। और वहीं उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, मथुरा का पवित्र प्राचीन मंदिर इनको ध्वस्त भी करवाया था। साथ ही उसने मथुरा में जो मंदिर को नष्ट करके उसके स्थान पे जो है तो बड़ी मस्जिद बनाई थी। और साथ ही साथ यही नहीं बल्कि उसने तो वहाँ की मतलब जो मूर्ति थी उसको भी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया था ताकि वो मतलब कि अपने एक धार्मिक उसको श्रेष्ठता को स्थापित कर सके। तो एक प्रकार से औरंगजेब जैसे ये शासक थे तो इनको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया जबकि उन्होंने तो एक प्रकार से धर्मनिरपेक्षता को इनको तो एक प्रकार से जो है तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने धर्म अपने ही धर्म का ज़्यादा प्रचार किया। साथ ही साथ धर्मांतरण संबंधित बहुत सी घटनाएँ भी देखने को मिली। साथ ही साथ बात की जाए कि हिंदुओं की जैसे कि हिंदुओं पर जजिया कर भी मतलब कि लगाया गया था इनके द्वारा। साथ ही सिख गुरुओं को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उन्हें भी मारा गया था। गुरु तेग बहादुर का उदाहरण देखा जा सकता है। तो इस्लाम अपनाने से इंकार करने पर उन्हें जिस प्रकार से मार दिया गया, साथ ही गुरु गोविंद सिंह के दौर में भी उन्होंने सिखों पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म मतलब किया था। तो ये जो औरंगजेब की कुछ बातें की जाए, साथ ही साथ जो अन्य इतिहासकारों ने तो इन तथ्यों की एक प्रकार से अनदेखी ही की है, उनको ज़्यादा उन्होंने महत्ता नहीं दी, है ना। जो उसकी मतलब कि नकारात्मक उसका वो था तो उनको ज़्यादा महत्ता नहीं दी गई बल्कि उसके एक सेकुलर छवि को उन्होंने ज़्यादा बनाने की कोशिश की थी इतिहासकारों ने। तो अगर विकृत इतिहास लेखन के लिए कोई पुरस्कार होता तो निश्चित तौर पर मतलब कि इनको अप्रिशिएट कर दिया जाता है इस प्रकार की इतिहास उन्होंने लिखा है, है ना। कि एक प्रकार से तटस्थ बिना तटस्थ हुए ही इस प्रकार के इतिहास लिखे गए। तो क्या छद धर्मनिरपेक्षतावादी जो ये इतिहास हैं तो इसमें से निश्चित तौर पे जैसे कि हालांकि जैसे प्रमुख सड़क का नामकरण भी यहाँ पास औरंगजेब सड़क के नाम पर मतलब उनके नाम पे रखा गया तो इसमें जो है तो जैसे इन पे सड़क का नाम भी बदल करके जैसे
अब्दुल कलाम के नाम पर मतलब कि सरकार ने रख दिया है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि इतिहास में कुछ मतलब जो मतलब योग्य स्थान जिसको देना चाहिए था तो उनको यहाँ पर मतलब कि स्थापित करने का भी प्रयास किया गया है। वहीं जैसे कि बाबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे मतलब कि इनके भी मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्होंने भी जो है तो लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा मतलब बर्बर व्यवहार भी किए। तो उसी संदर्भ में यदि बात की जाए कि इनको मतलब इतिहास में कितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत भी किया गया है, तो वहीं बात की जैसे कि इनसे संबंधित जो प्रतीक हैं तो उन पे भी जैसे सेक्युलर और लोकतांत्रिक राष्ट्र का जैसे बनने संबंधित जो है तो उनको भी कायम रखा गया। साथ ही यदि हमें संविधान की रक्षा करनी है और हम अपने धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक परंपराओं को यदि सहेजना चाहते हैं तो इतिहास की पुस्तकों में जो है तो इन चीज़ों को शामिल करने की ज़रूरत है ना। हमारी लोक नीतियाँ भी संविधान के बुनियादी मूल्यों के आधार पर ही बननी चाहिए। इसका अर्थ है कि जैसे कोई भी जैसे भयावह मतलब स्मृतियाँ उनके अवशेषों को हमेशा के लिए मतलब कि उन्हें दफन कर देने की ज़रूरत है ना। सौभाग्य से जैसे कि यहाँ पास सरकार ने भी इस दिशा में जैसे कि उसने मतलब कि इस दिशा में प्रयासरत भी है। जैसे कि सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर औरंगजेब सड़क का नाम भी रखा गया। साथ ही साथ जैसे उनकी कट्टरता संबंधित जो मामले थे उनको भी पाठ्यक्रमों में मतलब कि बताना चाहिए है ना, स्कूलों में लड़कों को। तो ऐसे करके एक प्रकार से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो भारत का भविष्य जो है तो ऐसे कट्टरता में नहीं बल्कि वास्तविक लोकतंत्र में निहित है, जहाँ समता और समानता का सिद्धांत ही मूल मंत्र है ना। तो जैसे कि यहाँ पास यदि हम उदाहरण के तौर पे देखें कि जो फ्रांसीसी पत्रकार फ्रांसुआ गौसी और बेल्जियन विद्वान कॉर्नाल्ड एल्स्ट थे तो उन्होंने भी भारत की जनता को एक प्रकार से उस भारी धोखेबाजी को लेकर के उन्होंने आगाह किया था है ना, जो कि वामपंथी सोच वाले नेता अकादमिक और नौकरशाह आज़ादी के बाद से ही करते आ रहे थे। उन्होंने मतलब कि गौसिए जो तो वो पहले से भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की बात करते थे। वहीं कॉर्नाल्ड एल्स्ट ने भी खासकर उन मार्क्सवादी इतिहासकारों को मतलब कि टारगेट किया कि जिन्होंने हिंदू प्रतीकों को मिटाने की मुहिम चलाई और जिन्हें वामपंथी सोच वाले कथित सेक्युलर नेता पत्रकार और बुद्धिजीवियों का साथ मिला था है ना। तो भारतीय राज्य ने भी इस मुहिम में काफ़ी ज़्यादा सहयोग भी दिया था। तब की यदि पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया है तो एस्ट का कहना है कि भारतीय अंग्रेजीता अभिजात वर्ग के लिए भारतीय सभ्यता को तिलांजलि देना ही फैशन बन गया है ना। तो निश्चित तौर पे यहाँ पास यदि हम गृह मंत्री जी की उस पे बात भाषण की बात की जाए तो निश्चित तौर पे इतिहास के संदर्भ में जो है तो यथोचित स्थान जो मतलब कि हमारे पुराने मतलब जो कह सकते हैं कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व तो रहे हैं जिनको कि इतिहास में यथोचित स्थान नहीं मिला है, तो निश्चित तौर पे इतिहास के पुनर्लेखन में और इनको जो है तो यथोचित स्थान मिलेगा। साथ ही साथ जो है तो इतिहास को लिखने के लिए निश्चित तौर पे तटस्थ और जो है तो बेहतर तरीके से उसको लिखे जाने की ज़रूरत है ना। तो इसमें मतलब कि मतलब इतिहास के संदर्भ में बस इतना ही। तो आज के इस आर्टिकल में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।